गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ केमिस्ट्री का टॉपिक गैस लॉ। गैस लॉ में मैं एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके 5 वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें कंप्लीट थ्योरी एंड पूरा उसका एजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ढेर सारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ उसमें। सो सारे हर टाइप का जितना वेरिएशन हो सकता है सारा क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। प्लीज उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप सर्च करिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। वो केमिस्ट्री का पार्ट, फिजिक्स का भी पार्ट है। गैस लॉ में नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे द वान डर वाल इक्वेशन, बिहेवियर ऑफ द रियल गैस, आइडियल गैस, रियल एंड आइडियल गैस में डिफरेंस, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। ये बड़ा टॉपिक है, रियल गैस, आइडियल गैस, वान डर वाल इक्वेशन, वान डर वाल कॉन्स्टेंट ए, कॉन्स्टेंट वी, वान डर वाल इक्वेशन को प्रूफ करना, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, गैस को लिक्विफाइड करना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। थ्योरेटिकल है, ज़्यादा थ्योरी है, क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया होंगे क्वेश्चन। आईडी का तो एडवांस के खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, न्यूमेरिकल भी, एम्स में भी बढ़िया क्वेश्चन इसका मिलेगा आपको। तो डिस्कस करेंगे हम लोग सारा क्वेश्चन। सो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रियल गैस, आइडियल गैस। लास्ट क्लास मैंने रियल गैस, आइडियल गैस में डिफरेंस बता दिया था। वो डिफरेंस से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, 5 तो आईटी एडवांस में मिल जाएगा, पेपर देख लीजिएगा, 5 क्वेश्चन चैट के ऊपर आईटी एडवांस में। सिर्फ आपको ग्राफिकली फॉर्म थोड़ा सा इमेजिन करना है, उससे आपको बन जाएगा। मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। वान डर वाल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, ये गैस लॉ का पार्ट है, कॉमन टॉपिक, अगेन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों कॉमन टॉपिक। कई क्वेश्चन आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में फिजिक्स में आएगा, कई केमिस्ट्री में आता है, कॉमन टॉपिक है आपका। मैं एनसीईआरटी का केमिस्ट्री बुक फॉलो कर रहा हूँ, पेज नंबर 145, बहुत कम दिया हुआ उसमें, बहुत कम स्टेटमेंट है, एक दो फिगर है, पढ़ना हम लोग को बहुत ज़्यादा है। बट हम लोग टॉपिक का एक एक लाइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स में पढ़ते हैं, एंड स्टडी बुक फॉलो करते हैं, बट उससे कई गुना हायर लेवल रहेगा हम लोग का। ओके, सो नीट में आएगा, आईडी मेन में आता है। लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी मैं लेक्चर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। लेक्चर 2 में मैं बात करूंगा आज के वान डर वाल कॉन्स्टेंट ए एंड वान डर वाल कॉन्स्टेंट बी, उन दोनों का एप्लीकेशन से। इससे सिर्फ ए कॉन्स्टेंट, बी कॉन्स्टेंट, ए से इसी, ए से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है आपको। आईडी एडवांस में भी है, मेन में भी है, पीएमटी में 10 से ज्यादा इसमें मिलेगा वान डर वाल कॉन्स्टेंट ए से। चलिए स्टार्ट करते हैं वान डर वाल कॉन्स्टेंट ए। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टेंट ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। वही चीज लिखना है, ए को अरेंज करना है, 3 गैस, 4 गैस, 5 गैस ऐसे लिखा रहेगा, बोलेगा अरेंज कर दीजिए ए का, या ए का वैल्यू लिखा रहेगा, उससे हमें क्वेश्चन बनाना होता है। बहुत ज्यादा ईजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, वान डर वाल कॉन्स्टेंट, इसमें पॉइंट वाइज लिखते रहते हैं, कॉन्स्टेंट ए, ए जो है वो वान डर वाल कॉन्स्टेंट। दो कॉन्स्टेंट होता है, एक ए है एक बी है। बी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को और ये रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बारे में बताता है यहां पे। प्लीज राइट डाउन द ए proportional to intermolecular force of attraction. सब क्वेश्चन ही है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स को ही तो वान डर वाल फोर्स पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ा हुआ, बॉन्डिंग के अंदर मैंने आपको वान डर वाल फोर्स पढ़ा हुआ, अल्केन, अल्केन पढ़ते हैं, आज भी मैंने आपको डाला था फ्यूल का क्रैकिंग पैरालिसिस, उसमें भी मैंने वान डर वाल बताया था। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है वो, इसी को तो वान डर वाल फोर्स बोलते हैं। सब एक ही चीज है, सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ये इसको आप वान डर वाल फोर्स भी कह सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि वान डर वाल फोर्स डिपेंड ऑन द साइज, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिकुलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो जितना बिग साइज होगा, मॉलिकुलर वेट होगा, उतना ज्यादा वान डर वाल फोर्स होगा। कई सिचुएशन है जिसमें इसमें ये वान डर वाल फोर्स, जो ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ते हैं वान डर वाल फोर्स, बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, तो वान डर वाल फोर्स जो होता है एक प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। वान डर वाल कॉन्स्टेंट ए प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट,
पोलर मॉलिक्यूल, अगर पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल का वंडरवॉल फोर्स जो होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा फोर्स होता है ना, पोलर मॉलिक्यूल ए, ए जो होगा वो पोलर मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा। कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मैं प्लानिंग कर दूंगा ना, सारा क्वेश्चन आपको बता दूंगा, थोड़ा बॉन्डिंग इट्स अ पीरियोडिक टेबल अच्छा रखिएगा, आएगा तो मैं बताऊंगा ना, नया अगर ना भी आपको आता होगा मैं समझा दूंगा। पोलर नॉन पोलर पहचानने के लिए म्यू बात करते हैं, म्यू द डायपोल मोमेंट, आपको डायपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, सो म्यू, म्यू द डायपोल मोमेंट। ये हो गया, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, वंडरवॉल फोर्स बस आपको समझना, ए ए जो है रिप्रेजेंट करता है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लास्ट क्लास भी मैंने आपको बताया था कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जितना ज्यादा ए रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना इजिली लिक्विफाइड होगा, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे लेक्चर वन में, CO2 ड्राई आइस, ड्राई आइस को थोड़ा सा दबा दीजिए फट से लिक्विफाइड हो जाएगा, ठीक है, सब लोग डिस्कस करेंगे सारा बातें, लास्ट क्लास जो पढ़े हुए थे उसको और डिटेल में यहाँ बात में डिस्कस करना है। नाउ ए, नेक्स्ट द ए, इंटरमॉलिकुलर फोर्स में कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड लीड करेगा, ओके सब एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा, बस आप कल जो पढ़े थे वही चीजें आप फिर से आप ब्रेन में रखिए कि ए वंडरवॉल कॉन्स्टेंट ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जितना ज्यादा ए रहेगा उतना अट्रैक्ट होगा, और ए ज्यादा बढ़ाने का तरीका क्या है, अगर मॉलिकुलर वेट है ज्यादा मॉलिकुलर वेट रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन, बॉन्डिंग ऑर्गेनिक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन कई जगह पढ़ा हुआ आपका, पोलर पोलर में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पोलर में चार्ज आ जाएगा ना, चार्ज होने के चलते अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पोलर में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वेश्चन में रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना बढ़िया रहे उतना अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट करिए, आइडियल गैस के लिए आपको बात करना जीरो, आइडियल गैस में ए का वैल्यू जीरो होगा, जो आप जानते हैं कि फॉर आइडियल गैस, छोटे छोटा पॉइंट हम लोग बहुत सारा पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट हम लोग वन डबल कॉन्स्टेंट के लिए, सेकंड पॉइंट ठीक है ए के लिए फॉर आइडियल गैस, सो आइडियल गैस आप जानते हैं कि आइडियल गैस इज द पॉइंट मास, लास्ट क्लास आप डिस्कस कर चुके थे, आइडियल गैस एक पॉइंट मास, इसके अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, आइडियल गैस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा, और जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा तो ए, ए प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्स, लिखिए यहां पे, सो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइडियल गैस के लिए इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, आइडियल गैस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, लास्ट क्लास पढ़े था, और जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ही जीरो हो गया तो ए तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी बताया, सो ए जो है, ए ए जो होता है प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्स, बताइए अगर हम बात करेंगे ए, ठीक है ए, और हम लोग बात करें फॉर आइडियल गैस, अगर हम लोग यहां लिखें फॉर आइडियल, आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए ए का वैल्यू करिएगा तो ए का वैल्यू जीरो हो जाए, ओके आइडियल गैस के लिए जीरो रहेगा, आइडियल गैस का जीरो, ठीक है अच्छा, अब इससे छोटा छोटा चीज सीखना है, अरेंज करने के लिए एग्जाम आएगा मेडिकल इंजीनियरिंग में, एक तो तरीका है कि आप उसको रटना पड़ेगा, दूसरा है कि नहीं रटना है तो समझ समझ के काम करिए,
जैसे मान लीजिए आपको, मान लीजिए जैसे मेडिकल का एक क्वेश्चन आता है, ऐसे गैस दे दिया, बोला कि मेरे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस कर दिया कि मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, कुछ भी चार पांच गैस दे दिया, बोले मेरे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस दे दिया, और बोल दिया मेरे पास हीलियम, यहाँ पे हीलियम, हीलियम गैस दे दिया, ऐसे गैस दे दिया। अब इसमें पूछेगा पेपर में, बताइए इन तीनों में लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए, लोएस्ट वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए आपको चाहिए। सो देखिए आपको, आपको मैंने क्या बताया था कल, कल मैंने आपको बताया था कि हीलियम, हीलियम, हीलियम इज वेरी वेरी क्लोज टू द आइडियल नेचर, मैंने बताया था कि हीलियम के बारे में ध्यान रखिएगा, हीलियम से कई क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको पैटर्न नहीं पता है बट हीलियम के हेल्प से आप पकड़ लीजिएगा। हीलियम आपने क्या बोला था कि हीलियम इज द वेरी वेरी क्लोज टू द आइडियल गैस, बट नॉट आइडियल, आइडियल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइडियल के लिए, आइडियल के लिए वैल्यू ए का वैल्यू फॉर एग्जैक्ट परफेक्ट आइडियल होगा तो ए का वैल्यू क्या हुआ, जीरो। और हीलियम, हीलियम जो है वेरी क्लोज टू द आइडियल, वेरी क्लोज टू द आइडियल, नॉट एग्जैक्टली आइडियल, आइडियल नहीं है बट वेरी क्लोज टू द आइडियल। तो इन तीनों में, तीनों में ए का वैल्यू सबसे लो हीलियम, सबसे लो हीलियम। तो लोग बोलते हैं कि अरे तो मोलिकुलर वेट से भी पकड़ सकते हैं, तो मोलिकुलर वेट इसका हो गया 32, इसका 28, इसका है 4, मोलिकुलर वेट सबसे कम हुआ, मोलिकुलर वेट सबसे कम हुआ, ए का वैल्यू सबसे कम होगा। अरे नहीं भाई ऐसा छोड़ना, लो मैं हीलियम एक और डाल दिया, हाइड्रोजन भी डाल दिया, हाइड्रोजन भी, इसका मोलिकुलर वेट और कम हो गया, इसका देखिए हाइड्रोजन और कम हो गया, उसका मोलिकुलर वेट 2 हो गया, तो क्या ए का वैल्यू लो हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा इसका? नहीं, नहीं। हीलियम, मैं आपको बताया था हीलियम इट वेरी क्लोज टू द आइडियल, वेरी वेरी क्लोज टू द आइडियल नेचर। और अगर आइडियल, आइडियल का 0 होता है तो हीलियम का साइंस में सबसे लो होगा वैल्यू। तो कुछ चीजें आप ऐसे रिलेट करिएगा तो क्वेश्चन बन जाता है। एक को याद करना है, मुझे तो पैटर्न है, मैं मुझे याद है, मैं लिखवा दूंगा, बट रटना पॉसिबल नहीं है, साइंस को रट के नहीं पढ़ सकते, कहीं ना कहीं से को रिलेट करेंगे, रिलेट करके समझा करेंगे हम लोग, ठीक है। सो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि ए, ए के लिए बात करेंगे कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए, पूछते पेपर में उसको अरेंज करना, अरेंज करना तो अभी नहीं हो पाएगा, वो तो मैं सिखा दूंगा, बट इसमें पूछा जाता है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए, ऑफ ए। सो आपका 1 सेकंड बस ऐसे देखना है, बोलना है ओह ये तो हीलियम है, वो हीलियम है, आप सीखिए। अभी अरेंज करना मैं सिखा दूंगा आपको, आपको सब बता दूंगा, बट आप पहचानना तो सीखिए, क्वेश्चन में आएगा तो आप टिक करना तो सीखिए तुरंत देख करके, ठीक है। चलिए लिखिए यहां पे, तो हीलियम, मैं आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ग्राफ बना के दिखाया था कि हीलियम ये रियल गैस है, ये एक रियल गैस, बट वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू आइडियल गैस नेचर। सो आइडियल गैस के एकदम पास है, सबसे पास, यही सबसे पास है हीलियम, सबसे पास आइडियल गैस का। सो ए का वैल्यू सोचिए, ए का वैल्यू अगर आइडियल गैस होता, ठीक है, आइडियल गैस होता तो आइडियल गैस के लिए ए का वैल्यू जो होता है 0 होता, 0। सो आप उसी के अकॉर्डिंग आप सोचा करिए कि अगर हमसे ए फोर हीलियम के लिए पूछा जाए, हीलियम, हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए नहीं पता है यार, डाटा नहीं चाहिए मुझे, साइंस पर रट कर थोड़ा साइंस पढ़ा जाता, डाटा नहीं पता है, बट ये एकदम उसके पास है तो ए का वैल्यू क्या होगा, लोएस्ट, लोएस्ट इन रियल गैस। सो हमें डाटा नहीं चाहिए बट ए का वैल्यू नहीं पता है डाटा, बट ये बोलना है कि लोएस्ट इन रियल गैस। सो रियल गैस का जब अरेंज करेंगे तो ए, हीलियम के लिए ए, ए का वैल्यू क्या है, मुझे डाटा से क्या मतलब है, साइंस रटा थोड़ा जाता, डाटा नहीं चाहिए, हमको अरेंज करना होता है, ऑर्डर अरेंज करना होता है, उसमें ए, ए सबसे जो लो वैल्यू होगा वो हीलियम के लिए। सो कल तो आप ग्राफ पढ़े ही थे, अगर आप ग्राफ थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पढ़ना हो तो एक लाइन में ऐसे देख लीजिए, कल तो आप पढ़े ही थे कि ये प्रेशर और जेट, प्रेशर और जेट था, ये था आइडियल गैस, ये है आइडियल,
आइडियल गैस ऐसा, तो हीलियम एकदम सट्टा हुआ, एकदम हीलियम जो गैस था एकदम ऐसे चल रहा था। हीलियम, हीलियम इज अ वेरी क्लोज टू द आइडियल, वेरी क्लोज टू द आइडियल। आइडियल के लिए जीरो होता है, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, नो साइज, पॉइंट मास आइडियल लोग, तो इनका जीरो। इनका जो होगा हीलियम का डाटा नहीं जानना, बट ये तो जानना है कि इन चारों में लोएस्ट वैल्यू ये हीलियम का होगा। ठीक है, कुछ अरेंज करना मैं सिखाता हूँ आपको, थोड़ा मोड़ा अरेंज करना। लास्ट में एक रूल है, एक और कैसे यूज करना है, क्वेश्चन बहुत सारा है इसका, खूब सारा आता है, तो वो कैसे बनाना है वो सिखाता हूँ। मान लिया आपका ये सब रहा सेवेंथ एरा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और ब्रोमीन है, और आयोडीन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन हो गया। अब देखिए, अब यहां पे अगर पूछा जाएगा कि ए ए का वैल्यू चाहिए, ये सारे लोग नॉन पोलर हैं, सारे लोग नॉन पोलर कोवेलेंट है। ऐसे कई पहले भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, वो सब रिलेट कर सकते हैं, रिपीट करना हो रिपीट कर लीजिए। ये आपको पता है कि फ्लोरीन गैस, क्लोरीन भी गैस होगा, ब्रोमीन इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड, ब्रोमीन होता है लिक्विड होता है, ये सॉलिड वॉलेट कलर का सॉलिड होता है, सॉलिड इज अ वॉलेट सॉलिड होगा आपका। सो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स, देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ जाइएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फोर्स है भाई। कई रूल है, मॉलिकुलर वेट, या देखिए खूब तेज फोर्स, खूब तेज फोर्स हो गया तो सॉलिड हो गया, ना बंद गया, सारे एटम्स क्लोज क्लोज हो गया तो सॉलिड हो गया, ये थोड़ा सा लूज है, थोड़ा सा लूज हुआ था लिक्विड हो गया, इसमें तो बहुत लूज गैस हो गया। सो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे सॉलिड में क्या है, एकदम टाइट फोर्स हो गया, तो यहाँ फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, उसके चलते वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट ए ज्यादा। कई बार आपको चार दे देगा, रैंडमली उठा के दे देगा, तीन दे देगा, चार दे देगा, बोलेगा कि अरेंज ही कर दीजिए। तो सॉलिड है, सॉलिड से आपको पता है कि नीचे की तरफ जो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या नीचे की तरफ, तो इधर की तरफ आप सारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी सब पढ़ सकते हैं। फोर्स हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, डेंसिटी हुआ, सब लिख सकते हैं नीचे की तरफ। है हमारा टॉपिक, अभी अभी मेरा टॉपिक है वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, तो वैन डेर वाल्स कांस्टेंट हमें अरेंज करना है। सो ए ए जो है वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, हमको इसको अरेंज करना, और इसमें मैंने कई रूल बताया था, जिसमें एक छोटा सा रूल ये भी, आप इंटरमोलिकुलर फोर्स या आप बोल सकते हैं मॉलिकुलर वेट। सो इसमें वैन डेर वाल्स कांस्टेंट में पढ़िएगा, तो वैन डेर वाल्स कांस्टेंट में सबसे ज्यादा आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन होगी। सो कभी कभी अरेंज करने के लिए आता है, कभी कभी अरेंज करने के लिए आपको आ जाएगा वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, तो बना लीजिएगा आप। और मैं दिखाता हूँ, और मैं लास्ट में लिख भी दूंगा, बट उसको रटना पड़ जाता है यार, उसको रटना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया आप सीख लीजिए ना, थोड़ा ऐसे सीख लीजिए, ऐसी तरह अरेंज करके, मान लीजिए चार आ जाता है तो अरेंज कर लेंगे। और इसका एकदम प्रॉपर ट्रेंड नहीं है बुक में, सब इरेगुलर, किसी बुक में जस्ट देखिएगा तो डाटा ऑक्सीजन पहले आएगा, नाइट्रोजन बाद में आएगा, कहीं नाइट्रोजन पहले है, ऑक्सीजन बाद में है, तो इसका कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। आप 10 बुक लीजिएगा, 10 बुक में डाटा एक अरेंजमेंट देखिएगा, तो एक अरेंजमेंट में कोई डाटा आगे कोई पीछे रहता है इस तरह। तो आप पहले साइंस को सीखे, साइंस को सीखे कि ए क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो मॉलिकुलर वेट, पोलर है तो पोलर के लिए बढ़िया हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड कराएगा, तो उसके हर एक का मैं पार्ट कर दे रहा हूँ, बाद लास्ट में मैं एक जगह अरेंज भी कर दूंगा, लिख दूंगा, बट उसको याद करना पड़ेगा आपको। चलिए, कौन सा नंबर था, सो फोर आप पढ़ रहे थे।
देन फाइव। मान लिया मैंने आपको CO2 गैस दे दी, SO2 गैस दे दी, CO2 एंड SO2 गैस, ठीक है। अब बोला कि मैं इसके लिए मुझे जस्ट ए चाहिए, देखिए तरीका देखिए आपको, या मॉलिक्यूलर वेट मत बनाइएगा। देखिए आप, आपको बॉन्डिंग में खूब एक्सपर्ट रहना है, बहुत तेज रहना बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में एक्सपर्ट रहिएगा तो देखिए यहाँ पे CO2, CO2 का फिगर ऐसा होता है, CO2 में मैं इसको आपको 10 बार पढ़ा चुका हूँ कि इसका हाइब्रिडेशन sp है, sp के चलते ये है लीनियर हुआ, और लीनियर होने के चलते इसका डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो वैक्टर होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह ये वैक्टर डायपोल मोमेंट का मैंने 50 एग्जांपल किया हुआ है। CO2 कई बार पूछ चुका है कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, एक वैक्टर ऑक्सीजन की तरह, एक वैक्टर इधर ऑक्सीजन की तरह, ओवरऑल डायपोल मोमेंट म्यू, म्यू है डायपोल मोमेंट, म्यू क्या है लोग बोलते हैं म्यू क्या है, तो ये है डायपोल, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जीरो होने के चलते, ये जीरो होने के चलते ये नॉन पोलर हो गया, ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, नॉन पोलर हुआ आपका, ठीक है। CO2 जस्ट बैलेंसिंग हो जाएगा, स्ट्रेट है तो इधर का वैक्टर इधर वैक्टर कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट वैक्टर जीरो हो गया। यहाँ पढ़ा हुआ है 10 बार तो पढ़े हुए CO2, SO2, SO2। बॉन्डिंग ऐसा टॉपिक है हर जगह, बॉन्डिंग, पीटी, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हर जगह यूज होता है। SO2, SO2 के बारे में आप छोड़िए जल्दी से, एडीन हुआ, एट से डिवाइड करिए, टू बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर, sp2 हो गया, एंगुलर शेप हो गया। तो जब SO2 पढ़ेंगे आप SO2 का फिगर बनाएंगे, तो SO2 का फिगर ऐसे हम लोग पढ़े हुए थे, ऐसा ये एक एंगुलर शेप, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ये एक एंगुलर शेप होता है, और एंगुलर शेप में अगर बनाएंगे एंगुलर शेप में, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। आप वैक्टर ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक वैक्टर इधर गया, ये है इधर की तरफ, एक वैक्टर इधर गया, तो ये दो वैक्टर, दो वैक्टर मैथ में फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो दो वैक्टर यहां लीजिए तो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट लीजिएगा तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन आपको कि डायपोल मोमेंट टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, इट नॉट जीरो, और डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो ये पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर, पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर, पोलर में फोर्स ज्यादा होता है, वो नॉन पोलर, नॉन पोलर में फोर्स कम होगा, ये पोलर है ना, पोलर में फोर्स ज्यादा हुआ, ये डोनर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। साइंस में आप खूब बहुत सारा चीजें पढ़ाया हुआ आपको, आप बॉन्डिंग पीटी में खूब एक्सपर्ट रहिए, तो देखिए आप ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है डोनर, ये डोनर डोनेट किया था, डोनेट किया था, इसके बॉडी पे प्लस आ गया, इसके बॉडी पे क्या हुआ माइनस हो गया। तो देखिए ये जस्ट पोलर, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर में फोर्स थोड़ा स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव निगेटिव है ना, पॉजिटिव निगेटिव के चलते स्ट्रांग फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, सो स्ट्रांग फोर्स, पोलर होने के चलते स्ट्रांग फोर्स, और वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए, ए तो फोर्स का ही तो खेल है, वैन डेर वाल्स फोर्स ए, वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए डिपेंड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स यहाँ पे। तो फिगर देखते, इतना समझाना नहीं है, फिगर आप देखिएगा, देखते पता चल जाएगा, वो SO2 लीड करेगा, वो पोलर है, ये नॉन पोलर है, पोलर में चार्ज आएगा प्लस माइनस, और प्लस माइनस चार्ज में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्बिक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, वो काफी स्ट्रांग फोर्स है। सो फाइव में यहां पे आप नोट कर लेंगे कि ए हम लोग पढ़े थे, ए प्रोपोर्शनल टू फॉर पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एट जो हो गया SO2, SO2 का ज्यादा हो गया CO2 से, हो गया
अभी मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर दे रहा हूँ, उसको समझा दे रहा हूँ आपको, तो इसमें समझना है साइंस को, रटना नहीं है, वंडरवाल कांस्टेंट ए और इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ढेर सारा क्वेश्चन आपको लास्ट में मैं लिस्ट बना दूंगा, बट वो लिस्ट रटना पड़ेगा, उससे बेटर है आप समझते रहिए समझते रहिए। मैं लास्ट में मिक्स करता हूँ उसको, सो नेक्स्ट सिक्स में आप कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसे रहा कुछ भी, मान लीजिए HF रहा और वाटर रहा और NH3 रहा और HCl, ये रहा है और हमें A चाहिए, इसमें A A का और चाहिए, A वैन डर वाल कांस्टेंट, ए चाहिए वैन डर वाल कांस्टेंट, ये A वैन डर वाल कांस्टेंट चाहिए। देखिए आप प्लानिंग देखिए, ठीक है, मान लीजिए वैन डर वाल कांस्टेंट है, तो अभी मैंने समझाया था कि ये वैन डर वाल कांस्टेंट वो देख करके क्वेश्चन देख कर देखा जाता है, जैसे कुछ क्वेश्चन में मॉलिकुलर वेट लगा दिया, नॉन पोलर कोवलेंट जो बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ, कई क्वेश्चन मैंने देखा तो वो CO2 SO2 दिखा, वो पोलर नॉन पोलर का क्वेश्चन दिखा, तो सारा बॉन्डिंग से सब रिलेटेड है आपका। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ये HF वाटर NH3 HCl, ये ए जो है वो प्रोपोर्शनल टू, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक में आप जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक कितना सारा, मैं 50 क्वेश्चन मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक में बताया था, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड में चलिए आपका स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग पढ़े हुए थे कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का पावर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा वो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये EN का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, पूरे साइंस का नंबर वन हाइड्रोजन बॉन्ड HF होता है। देन उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, डाटा तक मैं पढ़ाया था आपको, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, तो बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ये बेस्ट, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बारे में हम लोग जानते हैं, और फ्लोरीन से एक दो नहीं 10 क्वेश्चन फ्लोरीन पे ही है, HF पे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, कितने सारे आए हुए IIT क्वेश्चन है आपका कि नाउ फ्लोरीन फॉर्म बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, बस हो गया। अगर आप उससे रिलेट करेंगे सो वैन डर वाल कांस्टेंट, अगर आता है एग्जाम में वैन डर वाल कांस्टेंट फट से लिख लीजिए, HF वैन डर वाल कांस्टेंट, सो वैन डर वाल कांस्टेंट का आंसर चाहिए तो HF कर लीजिए, वाटर कर लीजिए, NH3 हो गए, CH4 हो गए, ये वैन डर वाल कांस्टेंट, तो इस तरह समझना है, साइंस को समझा जाता है वैन डर वाल कांस्टेंट पे। मान लीजिए कुछ भी रहेगा, अगर पेपर में CO2 रह गया, ऑक्सीजन रहा और अमोनिया दे दिया, कुछ हाइड्रोजन दे दिया, ऐसे कुछ चार ऐसे एग्जांपल दे दिया, कोई भी एग्जांपल रहा, बोले कि यहाँ वैन डर वाल कांस्टेंट चाहिए, तो अभी आपने बताया था कि अभी यहाँ पोलर, पोलर जो है वो पोलर का हमेशा ज्यादा रहेगा नॉन पोलर से, हम लोग चेक कर लेते हैं उसमें, चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या है, पोलर नॉन पोलर तो चेक हो जाएगा आपको, तो पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, ऐसा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिख रहा है, तो चेक कर लीजिए। CO2 पढ़ेंगे, CO2 आप पढ़ेंगे, अभी अभी मैंने डिस्कस कर लिया था CO2, CO2 का डायपोल मोमेंट 0, ये लीनियर होता है, ऑक्सीजन सब लोग जानते हैं, ऑक्सीजन ऐसे लीनियर रहेगा, डायपोल मोमेंट 0, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी ऐसे रखिएगा, डायपोल मोमेंट 0, अमोनिया, अमोनिया द फेमस अमोनिया द पिरामिडल मॉलिक्यूल, ये अमोनिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, ऐसे ये हाइब्रिडेशन है sp3, ये शेप है पिरामिडल, सो पिरामिडल के चलते इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ये जानते हैं हम लोग, और डायपोल मोमेंट 0 नहीं हुआ तो ये पोलर हो गया, ये हुआ पोलर, और ये तीनों हो गए नॉन पोलर,
देखिए बाकी अब चेक कर लीजिए, अरेंज करना अब आसान है आपका। एक को अरेंज करना हो तो एक को अरेंज करने में पोलर को पहले आगे कर लीजिए, पोलर में अमोनिया, अमोनिया लीड करेगा। अब ये इन तीनों का पहले लिख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों, ये तीनों लोग जो हैं वो नॉन पोलर, नॉन पोलर हो गए। चलिए नॉन पोलर में फिर कुछ ना कुछ तो प्लान हम लोग बना ही लेंगे। मॉलिकुलर वेट पे आते हैं, मॉलिकुलर वेट करते हैं। चलिए बोलिए, एम नॉट, एम नॉट है मॉलिकुलर वेट। कार्बन मोनो सॉरी सीओ टू, सीओ टू, सीओ टू का मॉलिकुलर वेट सबको पता है, फिंगर टिप्स पे 44। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया 32। हाइड्रोजन तो सबसे कम 2 हो गया, हो गया क्योंकि आप जानते हैं ए वंडरवाल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। कहीं ना कहीं से तो रूल से बन ही जाता है ये, आपको कहीं ना कहीं से बनेगा। ठीक है, तो आपको ऑर्डर बना रहे हैं आपका ए। NH3, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये है पैटर्न। तो ये सारे रूल मैंने आपको सिखा दिया कि ये देखिए वंडरवॉल कांस्टेंट ए प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट फॉर नॉन पोलर, नॉन पोलर के लिए लाइक हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे ऐसे फैमिली है नॉन पोलर है, पोलर का ज्यादा रहेगा नॉन पोलर से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड लीड करेगा। अब एक जगह है बुक में, बहुत सारा लोग एक जगह लिस्ट बना हुआ, ठीक है उसको मैं लिखते रहा हूँ, ये मुझे याद है। ठीक है, आपको या तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा या ये सब मेथड, ये सब मेथड से भी काम चलता है, इस सब मेथड से भी बन जाता है आपको। सो मैं यहाँ लिखता हूँ वंडरवाल्ड कांस्टेंट ए। उसके से जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन जितना मैं देखता हूँ ना, जितना आता है वो अगर ए को सही से समझ रहे हैं, एक एप्लीकेशन जानते हैं, एक का लोएस्ट वैल्यू किसका है वो जान रहे हैं, आइडियल गैस के लिए 0 है, सबसे लो वैल्यू हीलियम का रहेगा, तो उससे भी बन जाता है उससे, क्योंकि ये पैटर्न तो फिर रटने वाला है, थोड़ा रटना पड़ेगा। तो रटना नहीं तो समझा रखा है मैंने ना कि कौन सा रूल मैं यूज कर रहा हूँ। सो फाइनली मैं एक एक लिखते रहा हूँ यहाँ पे एक पैटर्न जो बुक में हम लोग देखते रहते हैं। एक मैं करता हूं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा 10-15 का लिस्ट लिखा हुआ बुक में वो एक जगह, सो मैं उसको यहां पे नोट करा देता हूं कि टॉलबिन, बेंजीन, और भी है, मैंने बताया 15-16 जो भी होगा, जो भी है मैं लिखते रहूँगा यहाँ पे, यहाँ C2H6। हीलियम, हीलियम लोएस्ट वैल्यू, हीलियम के बारे में जानते हैं कि हीलियम इज द लोएस्ट वैल्यू। डू टू क्लोज टू आइडियल नेचर, टू आइडियल नेचर। ये एक एक ऑर्डर बुक में है जो मुझे याद है, बट उसको साइंस समझा जाता है, समझना होता साइंस का। ये लोग बड़े बड़े हैं, टॉलविन, टॉलविन है ना, बेंजीन है, टॉलविन, बेंजीन, लिक्विड हो गया। ठीक है, ये लिक्विड, लिक्विड के चलते ये हुआ आपका, देन एसरोडो और हैवी लिक्विड, पेट्रोलियम, आज तो पढ़े थे ऑर्गेनिक में, एरोमेटाइजेशन,
गुड फ्यूवल बेस्ट फ्यूवल एरोमेटाइजेशन के चलते, तो ये लोग बड़े बड़े साइज लिक्विड होने के चलते ये हुआ आपका, फिर ये बड़ा साइज हो गया SO2 के कंपेयर में, ये SO3 थोड़ा बड़ा है, फिर क्लोरीन हुआ, इथेन हुआ, नाउ ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले तीन लोग हो गए, फिर CO2, ये एयर का पार्ट हुआ, एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन। देखिए कहीं कहीं चेंजेज मिलेगा, अब रिजिड नहीं होना है। मैं मेरे पास अभी बुक है, 5-6 बुक में मैं रिलेट करूंगा, तो किसी में ऑक्सीजन पहले कर देगा, नाइट्रोजन बाद में कर देगा, तो थोड़ा मोड़ा एकाध जगह वेरिएशन मिलेगा आपको। बट रटने के लिए मैं फिर नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइंस को आप समझने की कोशिश करें, ये सब समझने वाला जो रूल है ना वो हमेशा काम करेगा, क्योंकि आता है देखते हैं ना मेडिकल में आता है कि डायरेक्ट बोल देगा चार को अरेंज करें, वो ऑप्शन देखेगा ना, एक आध नहीं भी आएगा तो ऑप्शन ऐसा रहेगा कि बन जाएगा आपसे, तुरंत बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये वंडरवॉल कांस्टेंट ए है आपका। ठीक है, इसका एप्लीकेशन सीखिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन से भी खूब क्वेश्चन है। सो ये आपका कोई रखना नहीं है, आप एक पैटर्न एक अप्रोक्सीमेटली मतलब एक अंदाज रखना है कि ऐसा ऐसा होता है, आपको रखने की जरूरत नहीं है। आप एक एप्लीकेशन सबसे ज्यादा एक एप्लीकेशन ही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है अरेंज करने के लिए एक क्वेश्चन ही दो क्वेश्चन मिलेगा, बट एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आता है, खूब एप्लीकेशन आएगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने यही आपसे पूछा, मैं मान लिया एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ, जैसे ऐसा चलिए ए एक वंडरवॉल कांस्टेंट, ए जो प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के बारे में बात करें, आप समझिएगा यहां पे, यहां इसका मीनिंग समझिएगा। ठीक है, ए आप समझिएगा, क्वेश्चन में क्या करेगा, चार गैस दे देगा, चार गैस सबका एक वैल्यू दे देता है, सबका एक वैल्यू सामने लिख देगा, पेपर लिखने के बाद बड़ा आसान, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। देखिए अब बताइए इफ ए फॉर अ गैस, बोलिए बोलते ये कि अगर ए का वैल्यू चेक करिएगा, गैस को चेक करिएगा, गैस को चेक करके बताइएगा कि ए का वैल्यू अगर मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा ए का वैल्यू मैक्सिमम है, बोलते जाइए अगर ए का वैल्यू मैक्सिमम है तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये फिंगर 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 अट्रैक्शन, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक या स्ट्रांग, ऑफकोर्स स्ट्रांग, ए मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, और जो अट्रैक्शन ये अट्रैक्शन अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो बताइए इजिली लिक्विफाइड कि डिफिकल्ट टू लिक्विफाइड, सिंपल आंसर, अगर अट्रैक्शन अट्रैक्शन ज्यादा है, स्ट्रांग अट्रैक्शन है, इजिली लिक्विफाइड, मोस्ट इजिली लिक्विफाइड, कल पढ़े थे आपका CO2 एकदम आराम से लिक्विफाइड हो जाता है, ड्राई आइस इजिली अवेलेबल इन मार्केट, सॉलिड CO2 ड्राई आइस एकदम इजिली अवेलेबल है आपको, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के आइसक्रीम वाला जो है कंटेनर या आइसक्रीम जो ट्रॉली रहता है उसको फ्रिज करने के लिए ड्राई आइस यूज करते हैं, मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन को ट्रांसफर करने के लिए ड्राई आइस यूज कर, इजिली अवेलेबल है, 10-20 रुपए में मिल जाता है ड्राई आइस। तो सिंपल आपको आपको बातें करना है कि वो जेड लेस देन 1 वाला। सो फिर से एक बार ए एक का वैल्यू मैक्सिमम, ए का मतलब ध्यान रखना है, सिर्फ कई लोग बोलते हैं ए इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन करना है, जब अट्रैक्शन होगा, जब अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा इजिली लिक्विफाइड, तुरंत लिक्विफाइड कर जाएगा, इजिली लिक्विफाइड करेगा, फास्ट लिक्विफाइड, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो इसी में मिल जाएगा, चार गैस दे देगा, एक का वैल्यू दे देगा, बोलेगा विच इजिली लिक्विफाइड, विच डिफिकल्ट टू लिक्विफाइड, विच इजिली एब्जॉर्ब, ऐसा लिख देता है, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए मैं क्वेश्चन कर, IT का क्वेश्चन है एकदम, एक एक सेकेंड का लो, तो बस मीनिंग आपको समझना है कि ए इज मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कर लिए,
बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल. ये मैक्सिमम होगा. अगर एट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो मोस्ट इजीली लिक्विफाइड. आईडी क्वेश्चन मिलेगा इसमें, इतना इजी है. बस मीनिंग आपको समझना है. एक आप मीनिंग क्या है कल ही से समझा रहा हूँ आपको, आज भी आपको पूरा लेक्चर एक में ही जा रहा है आपका. तो मैक्सिमम एट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम का मतलब इजीली ये मीनिंग समझ लीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई क्या रटना है भाई, साइंस है सब तो समझने वाली बात नहीं. कहां कुछ रटना है, सब समझना है. ए मैक्सिमम इजीली लिक्विफाइड, तब इजी वे में लिक्विफाइड हो जाएगा. आईडी क्वेश्चन कर देते हैं. इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है एडवांस में आपको, आता है मेडिकल में 10 बार. ये सिर्फ लाइन 10 टाइम पूछा हुआ पीएमटी क्वेश्चन. पीएमटी का क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो आप देखिएगा. जैसे ये है आईडी का एडवांस का क्वेश्चन 9-10. वॉन्ट आर कॉन्स्टेंट ए फॉर द गैस, गैसेस है यहाँ पे. ए जो है वॉन्ट आर कॉन्स्टेंट है. गैस में लिखा हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, NH3 है, CH4 है. ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू 1.360, ए का वैल्यू 1.390, अमोनिया 4.170, 2.253. ये लिखा हुआ है आईडी में. द गैस विच कैन मोस्ट इजिली, मैं इधर लिखते रहा, लिखा हुआ द गैस विच कैन मोस्ट इजिली कितना आसान सा है, कितना ईजी सा क्वेश्चन. मेडिकल में 10 टाइम है ये क्वेश्चन, 10 बार मिल जाएगा पीएमटी का. आईडी मेन में एकदम आईडी एडवांस का, एडवांस का एकदम ईजी सा क्वेश्चन. बोले देखिए यहाँ पे मोस्ट इजली लिक्विफाइड, फिट से लिक्विफाइड कर जाए, इसका मतलब एट्रैक्शन फोर्स. मैक्सिमम एट्रैक्शन फोर्स का मतलब ए मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं चीज है. और क्वेश्चन में आता तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, मेडल क्वेश्चन था, जस्ट सिंपल सा आपका पीएमटी क्वेश्चन है, एकदम आसान सा. मैं बताया 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है पीएमटी और आईटी मेन एडवांस मिला के, बहुत सारा क्वेश्चन, बट एकदम आसान सा. एक मैंने एडवांस का दिया है, दो मेडल का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे इसमें डाटा लिखा हुआ.
गैस है वंडरवाल कांस्टेंट, गैस अननोन गैस पी क्यू आर एस लिखा हुआ, और ऑर्डर ऑफ लिक्विफैक्शन एस ऑर्डर ए बी सी डी लिखा हुआ था, ऑप्शन ही लिखना है। देखिए यहाँ पे बताइए इनमें सबसे ज्यादा डाटा मैक्सिमम इसका है, तो मैक्सिमम में ये है, ये है कि फास्ट, ठीक है, फास्ट लिक्विफाइड, और सबसे कम सबसे कम सबसे कम इसका है, सबसे कम इसका होगा, तो इसके बारे में आप बोल दीजिएगा ये क्यू, क्यू के बारे में एकदम स्लो स्लो लिक्विफाइड हो गया। हमको पैटर्न लिखा लिखा हुआ था कि ऑर्डर ऑफ लिक्विफैक्शन, बताइए सबसे स्लो सबसे लो किसका हुआ आपका, क्यू, क्यू के बाद, क्यू के बाद एस, एस एस के बाद फिर पी, अब पी, पी के बाद सबसे फास्ट लिक्विफाइड किसका हुआ आपका, आर, सबसे फास्ट होगा, तो ऑप्शन में ए बी सी डी में लिखा हुआ, ऐसे करना आपको एकदम आसान से क्वेश्चन, खूब फेमस है ये लिक्विफैक्शन, एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक को अरेंज करना। अच्छा उधर देखिए ओपीएमडी क्वेश्चन, ये बट बढ़िया है, डाटा ना रहे तो वो क्वेश्चन अच्छा, क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस मिनी, ठीक है, आइडियल गैस, देखिए देखिए ध्यान से समझिए, अगर आइडियल गैस में ए का वैल्यू, जीरो होता, ठीक है, ए का वैल्यू जीरो, अगर एकदम आइडियल है तो ए का वैल्यू जीरो, यहां पे लिखा हुआ मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल, मीनिंग बोलिए, अपने से सब सोचना है अपने, ये मेडियल क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन, इससे तो बढ़िया, ये तो सीधे डाटा पे रहता है, तो तुरंत पता चल जाता है, यहां पे मैक्सिमम डेविएशन अगर आइडियल के वेरी क्लोज रहता ए जीरो होता, आइडियल से खूब दूर जाना, आइडियल गैस से एकदम दूर जाना, आइडियल से दूर जाना है तो इसका मतलब ए का वैल्यू, जो होना चाहिए मैक्सिमम, खूब दूर, खूब आइडियल से बहुत दूर है, लिखा हुआ मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल, आइडियल से खूब दूर रहिए, ए का वैल्यू मैक्सिमम, बोलिए, रटने के लिए इसीलिए मैं बोला कि रटना नहीं है, वो तो मैंने एक जगह लिखवा दिया था बट रटना नहीं है। देखिए नॉन पोलर, और ये क्या है आपका पोलर, इन तीनों का डायपोल मोमेंट जाइएगा, तीनों के पास जाइएगा, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ये देखिए ये है पोलर, अभी मैंने जो लिखवाया था अभी ऑर्डर, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं बट कोई रटना नहीं है, अभी मैंने आपको पैटर्न बनाया था उसमें ए, ए का देखिए NH3 सबसे ज्यादा, उसके बाद गया था CH4, उसके बाद था ऑक्सीजन, उसके बाद था हाइड्रोजन, ये था ऑर्डर, सो आपको रटना नहीं है, मैंने बोला ना कि आपको रटने के लिए कभी नहीं, मैं बोला ये पोलर है, पोलर के चलते लीड कर जाएगा, ज्यादा हो गया आपका, तो ये था आपका पैटर्न। सो वैन डर वाल कांस्टेंट ए में बहुत सारे क्वेश्चन एकदम इजी है, बहुत आसान है, मैं पैटर्न समझाया कि कैसे उसको अरेंज करना है, एक लिस्ट भी मैंने आपको बना दिया बुक में, उसको आपको याद करना हो तो कर सकते हैं कोडिंग बना करके, बट मैं उसको फेवर में रहता हूँ, मैं याद करने के लिए कभी फेवर नहीं, करना हो तो आप कोडिंग बना लीजिए, ऐसा एक कहानी बनाइए जो क्लास में आपको बताते रहता था, लाला केदारनाथ का माली आलू चरा फीके से पकाता है क्यों, मैं सब कहानियां बना पूरा पीटी सिखा था कैसे आपको कहानी बना बना के पढ़ना, आपको बुक में लिखा हुआ, तो उस तरह एक अपने मन से कहानियां बना लीजिए, ठीक है, बट वो कहानी भी फिट नहीं होता, मुझे साइंस को समझना होता, तो मैंने सारा समझा दिया कि वैन डर वाल कांस्टेंट ए डिपेंड ऑन मॉलिकुलर वेट, अगर पोलर नॉन पोलर है तो पोलर के लिए ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है, ठीक है, तो वो सब पैटर्न पे मैं समझा, इसमें क्या है, इसमें रटने के लिए कभी मैंने इसको बोला कि रटने के लिए, आपको साइंस को समझना है कि आइडियल गैस ए है, मैक्सिमम डेविएशन ए का वैल्यू मैक्सिमम, ए का वैल्यू मैक्सिमम हम लोग खोजेंगे कि कहाँ पोलर है, कहाँ पोलर दिखेगा, अरेंज तो करना सिखाया था मैंने आपको, साइंस को समझाया था। बी उसी तरह वैन डर वाल कांस्टेंट बी है, बी का भी लिस्ट लिखा हुआ, बी का भी लिस्ट बना हुआ है, और आता है क्वेश्चन, वो मेडिकल का मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन मेरे सामने पड़ा हुआ है, आईडी मेन का क्वेश्चन देख रहा हूँ, बी बी को भी यूज किया हुआ, मैं समझा देता हूँ उसमें,
सो वन वाल कॉन्स्टेंट बी जो था वो मैंने बताया था आपको, बी डिपेंड ऑन द साइज फैक्टर, बिग साइज, साइज के ऊपर डिपेंड करता है. तो मैंने आपको बताया था बी. सो वन वाल के दो कॉन्स्टेंट है, एक ए है, बी फेमस ए ही है, ए से ही खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है. बी का है थोड़ा मोड़ा अप्लीकेशन है, मैं उसका भी ऑर्डर बुक में लिखा हुआ, मैं लिखते रहा आपको. सो प्लीज राइट ऑन वन वाल कॉन्स्टेंट. कल भी मैंने समझाया था, कल आपको समझाया था कि बी डिपेंड ऑन द साइज. ठीक है, वैल्यू लिखा हुआ बी का जो बुक में लिखा हुआ, बट राइट नहीं है, मैं उसको समझा दूंगा. जो क्वेश्चन आता है ना मैं बता दूंगा आपको. नियन लिखना हो लास्ट में कर लीजिए. इसमें हीलियम लास्ट में नहीं है, इसमें हीलियम नहीं, उसमें हीलियम लास्ट में था, वो वान डर वाल कांस्टेंट में हीलियम लास्ट में होता है, या हीलियम जस्ट बिफोर या नियन लास्ट में होता है. इसमें भी कोडिंग बना के डटना होता आप लिख सकते हैं, बट जो क्वेश्चन आता है वो बन जाता है, वो साइंस को याद करने की जरूरत नहीं है, बन जाता. जैसे मैं, मेरे सामने दो क्वेश्चन है, मैं दे देता हूँ, दिखाता हूँ आपको. पीएमटी क्वेश्चन है, बड़ा है मेरे सामने क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन काफी बड़ा है भाई. इसमें लिखा हुआ है गैस, लिखा हुआ है यहाँ पे. सो गैस है, गैस वन है, गैस टू है, वन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी एंड टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ए. बड़ा सा क्वेश्चन, काफी बड़ा सा क्वेश्चन. यस सेट वन. बड़ा सा, बहुत बड़ा लाइन लिखा हुआ, ऑप्शन भी बड़े बड़े हैं. सो ऑक्सीजन, सीओ टू, हाइड्रोजन, हीलियम. ऑक्सीजन, सीओ टू, हाइड्रोजन, हीलियम. सेट नंबर बी. CH4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन. ठीक है, सो वन डॉलर कॉन्स्टेंट बी, बी इसमें बी का सेट लिखा हुआ, इसमें ए का सेट लिखा हुआ. ठीक है, सो यहां पे वान डर वाल कॉन्स्टेंट, मैं उसे लिखते रहा हूं, उसको हटाता हूं. बड़ा सा ऑप्शन, खूब बड़ा लिखा हुआ, मेडिकल का है आपका, वान डर वाल कॉन्स्टेंट बी. सेट वन, सेट वन में वन डॉल कॉन्स्टेंट बी के बारे में बात करना. सो वन डॉल कॉन्स्टेंट ए फॉर सेट टू. ठीक है, और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, खूब बड़ा क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन है, खूब बड़ा है,
देख लीजिए, बट मुझे लग रहा है बस देख के आपसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। बड़ा सा क्वेश्चन है मेरे पास, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हीलियम, हाइड्रोजन, CO2, ऑक्सीजन। इधर ग्रेडर लेस भी बड़ा, यहाँ CH4, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो गैस इन द लिस्ट वन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बी एंड गैस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन और यहाँ CO2। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH4। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, CO2, CH4, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। लग रहा है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा इसमें, चलिए देखते हैं जो बेस्ट होगा। CO2, सो ऑक्सीजन, CH4 और हाइड्रोजन। ये ए और बी का सेट चाहिए था, ए और बी का ये सेट चाहिए, ए और बी का ये सेट, ए और बी का ये सेट चाहिए। बी का मैं भी कर देता हूँ, तो बी तो मैंने अभी लिखा था, बी थोड़ा सा अभी वहाँ पे लिखा था मैं एक बार, बी मुझे याद है। कभी कभी थोड़ा मोड़ा सेट याद भी करना पड़ता है, तो ऐसे ऐसे रेयर क्वेश्चन है यही, बस मुझे एक रेयर दिख रहा है क्वेश्चन कि मेडिकल में पूछा हुआ। बी तो अभी मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने अभी, तो C2H6 बताया था मैंने, फिर SO2, Cl2 था, CH4 था, CO2 था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, NH3 था, आर्गन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, हीलियम था और नियन था। मान लीजिए मुझे ये बी अगर मुझे याद है, मान लीजिए बी सेट याद है मुझे, तो बी सेट याद है, तो बी जो याद है तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है इसमें, इसके लिए बी चाहिए, सेट वन के लिए बी चाहिए था। ऑक्सीजन किधर गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ, फिर CO2, CO2 यहाँ है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ होगा, हीलियम, हीलियम यहाँ है। ठीक, तो वो पैटर्न अगर फॉलो करेंगे, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इसको, तो बी में। चलिए उन चारों को खुले, इन चारों में हीलियम सबसे छोटा है, हीलियम, हीलियम सबसे छोटा, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन और देन CO2। खोजे तो कोई है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2, हीलियम, हाइड्रोजन, CO2 एंड ऑक्सीजन। ये बोले कि थोड़ा मोड़ा देखिए एरर रहता है थोड़ा, मैं बताया कि ये किसी बुक से दूसरे बुक से लीजिएगा डाटा अलग मिल जाएगा, उसका डाटा में थोड़ा सा चेंज कर गया। हीलियम तो लो रहेगा, ये तो पता है कि हाइड्रोजन के पीछे हीलियम है, हीलियम तो लो रहेगा, तो हीलियम लो में इनमें देखिएगा, तो हीलियम लो में सबसे लो हीलियम तो यहीं पे ए में ही है, तो आंसर ए के लिए ये होगा आपका। और वहाँ ए के लिए भी एरर है क्वेश्चन, या हीलियम हो गया, इधर जाइएगा, इधर ए, ए में सबसे ज़्यादा इसमें हम लोग लिस्ट बनाए थे, उस लिस्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा मीथेन था, मीथेन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये ए के लिए ये सही जा रहा है। अब बी के लिए बेस्ट जो जा रहा है वो ये है आपका। और बुक से चेक करता हूँ, मेरे पास और भी दो तीन बुक है, मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, जैसे क्वेश्चन बैंक से भी मैं चेक करता हूँ, तो मैंने बुक से देख रहा था। सो है यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है आपका। सो ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन, हीलियम, CH4, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो हीलियम है, हाइड्रोजन है, CO2, ऑक्सीजन है, CH4, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हीलियम। ठीक है, ठीक, अब आप यही करना पड़ेगा, एक एक क्लियर करिए। देखिए मैं बोला था, शुरू में बोला था आपको कि यहाँ पे डाटा में थोड़ा मोड़ा वेरिएशन मिलेगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डाटा में जैसे इसी में प्रॉब्लम ही हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है ये, ठीक है, हीलियम सही है, हाइड्रोजन सही है और ऑक्सीजन CO2 में, ऑक्सीजन और CO2 में बहुत स्मॉल वेरिएशन होता है, वेरी वेरी स्मॉल वेरिएशन, मतलब
पॉइंट वन का वेरिएशन, पॉइंट वन पॉइंट टू का वेरिएशन होता है, तो इतना वेरिएशन जो है वो नेग्लेजिबल होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हीलियम, हीलियम जो होता है, हीलियम जो है, हीलियम के बारे में आपको बस कोई एक छोटा सा हिंट मिलेगा कि हीलियम एक वेरी क्लोज टू द आइडियल। हीलियम आप जानते हैं कि हीलियम के बारे में कि वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू आइडियल, आइडियल के सबसे सॉरी क्लोज है, इसलिए इसका ए का वैल्यू भी हीलियम के लिए लो रहेगा। हीलियम के लिए बी का वैल्यू भी पढ़िएगा, तो हीलियम के लिए बी का वैल्यू भी लो रहेगा फॉर हीलियम, हीलियम के लिए तो बी का वैल्यू यहाँ पे हीलियम का लो ही है, सबसे लो है, बट नियन उसके नियन एक पीछे रहेगा, ए में तो सबसे लो रहेगा। तो जो आपको बेस्ट इनमें चारों में जो सबसे बढ़िया जो लग रहा है आंसर वो ए। तो ये आपको बनाना है, क्योंकि देखिए थोड़ा मोटा डाटा थोड़ा डाटा आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मैं कोई चेक करता हूँ, थोड़ा मोटा डाटा वेरिएशन रहता है। तो ये एकाक क्वेश्चन ही है जो जिसमें हम लोग को दिक्कत हो रहा है आपको, ठीक है, इसमें है नहीं डाटा, हम डाटा खोज रहे थे कि डाटा आपको मिल जाए, तो डाटा है नहीं। मान लीजिए मेरे पास डाटा भी होगा, डाटा कुछ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसका डाटा नहीं है मेरे पास, और सबका डाटा रहता है। सो थोड़ा स्मॉल वेरिएशन रहेगा, थोड़ा मोटा मैं बताया कि जैसे हम लोग ये लिख रहे हैं, थोड़ा मोटा वेरिएशन रहेगा आपको, बट कोई एक डाटा आपको पकड़ना है कि जो हीलियम सबसे लो है, लो डाटा के चलते ये आपका जो चारों में जो बेस्ट आंसर आ रहा है वो ए है आपका। सो एक क्वेश्चन है इसमें, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना था आपको, बट मान लीजिए ना रहे ना याद रहे तो ही बढ़िया, ये ना पता रहे तभी वही सही, सबसे अच्छा कि इनमें हीलियम है, हीलियम जो है वेरी वेरी क्लोज टू द आइडियल, अगर आइडियल के पास है तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू सबसे लो रहेगा, तो ए का वैल्यू सबसे लो कर लीजिए यहाँ पे, इस एक एक ही जगह आ रहा है ए या बी, जो भी वैल्यू सबसे लो करिए, सबसे लोएस्ट वैल्यू है, देन टिक करना आपको। नेक्स्ट देखिए एक और करिए, नाउ इसमें कंप्लीट करते हैं, ए बी का वैल्यू खत्म हो गया आपका। सो नाउ 15 में एक आईटी मेन में भी क्वेश्चन देखे थे, वो भी अच्छा सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आईटी मेन का, इसमें भी अच्छा है, इसमें भी एक लाइन काफी अच्छा आपका, ए एंड वी आर वान डर वॉल कॉन्स्टेंट फॉर गैस फॉर क्लोरीन। सो यहां लिखा हुआ एक हिंट लिखा हुआ कि क्लोरीन इज मोस्ट इजली लिक्विफाइड, देन इथेन, बिकॉज ये लिखा होता है क्लोरीन इज मोस्ट इजली लिक्विफाइड आर देन इथेन बिकॉज, चलिए बताइए ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन ऑप्शन मैं दे देता हूं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है बट अच्छा है। सो वैल्यू ऑफ ए, बी ऑप्शन बी, वंडरवॉल कॉन्स्टेंट सी, ओके चलिए ये ऑप्शन लिखा हुआ था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक तो हिंट मिल रहा है, आधा तो क्वेश्चन ऐसे बना लीजिएगा, बताइए
एक हिंट क्या लिखा हुआ है कि क्लोरीन इज मोस्ट इजली लिक्विफाइड, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन जो है इज लिखा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन इज एक हिंट लिखा हुआ कि मोस्ट मोस्ट इजली ये लिक्विफाइड है। ये एक हिंट लिखा हुआ कि देन इथेन, ये एक तो हिंट यहां पे लिखा हुआ, तो बताइए क्लोरीन इज मोस्ट इजली लिक्विफाइड देन इथेन, क्लोरीन को दबाइएगा फट से लिक्विफाइड हो रहा है, ये एक हिंट लिखा हुआ, इसका मतलब ए का वैल्यू क्लोरीन के लिए क्या है, ज्यादा, जो जितना ज्यादा जल्दी लिक्विफाइड होगा अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा तो तुरंत लिक्विफाइड होगा, तो ये यहाँ पे आप एक आंसर लिख लीजिए कि ए ए का वैल्यू क्लोरीन के लिए ज्यादा कंपेयर टू सिटोसिस, हो गया आंसर, देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ए तो पता चल गया, ए तो पता चल गया, बी में प्रॉब्लम है, बी में प्रॉब्लम है, तो बी में प्रॉब्लम है तो बी बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है, यहाँ भी अंदाज लगेगा ना, बी बन जाता है, ऐसे तो ऑर्डर में लिखवाया था मैंने, बट बी बन जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन समझिए, क्लोरीन ऐसा होता और इथेन को समझिए, ऐसा समझना होता है, यहाँ साइंस को समझिए, यहाँ बन गया, वो एक मेडिकल वाले में वो उसमें बस हीलियम को लेकर फॉलो करिएगा तो उसमें बन जाता क्वेश्चन, बाकी उसमें ऑर्डर से नहीं बन रहा था, यहाँ यहाँ पे इसमें भी प्रॉब्लम है बट ये बन जाता है, आप देखिए थोड़ा सा फिगर बने ना, इथेन जैसे इथेन है, इथेन को पूरा हाइड्रोजन को अलग करिए, कार्बन को अलग करिए, तो देखिए इसका साइज देखिए, जब पूरा फिगर को ऐसा ओपन करिएगा तो ये बल्क ही साइज हो गया, और ये देखिए ये ऐसे साइज हो, लार्ज साइज साइज होना पड़ेगा इसका, और बी बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है साइज, बी का वैल्यू इसका ज़्यादा होगा, तो इसको समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं, ये समझ में आ जाएगा आपको, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप फिगर देखिएगा तो यहाँ लार्ज साइज, फिगर को ओपन करिए, ओपन करिएगा लार्ज साइज, लार्ज साइज साइज इसका बड़ा, खूब बड़ा साइज है, तो लार्ज साइज के चलते, लार्ज साइज के चलते इसका बी का वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं कि बी बी जो है वो प्रोपोर्शनल टू द साइज, वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट बी डिपेंड ऑन साइज, तो बी जो हो गया, बी बी जो है वो इथेन C2H6 ज्यादा होगा, बोलिए कौन सा आंसर, बी ज्यादा है, बी क्लोरीन का, तो ये गलत हो गया, क्लोरीन का छोटा होगा, ये करेक्ट, तो था आईडी मेन का क्वेश्चन, आईडी मेन के लिए ये क्वेश्चन था, एडवांस का हो गया, मेडिकल का बहुत सारा क्वेश्चन है, और बी के लिए अपना कोई कोड बनाना हो बना लीजिएगा, मैं आपको बी का आपको लिखवा दिया, ए का वैल्यू लिखवा दे रहा हूँ मैं, सो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था, तो बी का वैल्यू मैं फिर से आपके लिए लिखते रहा हूँ, मैंने यहाँ बताया भी था कि देखिए C2H6 का ज़्यादा होता है कंपेयर टू SO2 कंपेयर टू क्लोरीन, तो ऐसे रीजन समझना है, ये बड़ा साइज है उससे आपको आ गया, नेक्स्ट आप करिएगा यहाँ पे आपको CH4 CO2 CO नेक्स्ट द नाइट्रोजन NH3 आर्गन हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन था यहाँ पे हाइड्रोजन था हीलियम नियन था, तो वैल्यू है बी का वैन डेर वाल्स कांस्टेंट बी वैन डेर वाल्स कांस्टेंट बी के लिए, तो ये था ऑर्डर, आपको एकाक वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर बुक में अपना अपना अलग पैटर्न लिखते हैं लोग, हर बुक में डाटा में थोड़ा मोड़ा वेरिएशन रहेगा बट एक जनरल ऑर्डर जो है मोस्ट कॉमन जो मेजर बुक में ये लिखा रहता है, तो ये था वैन डेर वाल्स कांस्टेंट बी वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए मैंने लिख दिया था, तो यहाँ पे ऐसे भी C2H6 क्लोरीन में C2H6 का ज़्यादा है क्लोरीन से, बट ये समझ सकते हैं यहाँ समझ करके आप बनिएगा, तो ये था वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी, ये फाइनल हो गया, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सो नेक्स्ट क्लास और हम लोग करेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस पढ़ेंगे, इन्हीं ए और बी से रिलेट करके क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम वॉल्स टेम्परेचर आपको पढ़ना है इन्वर्जन टेम्परेचर थोड़ा सा जानना है, सो इन्हीं ए और बी से रिलेट करके आपको डिस्कस करना है, सो नेक्स्ट क्लास अगेन फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग।